विवाद को लेकर युवक ने अपनी दूसरी पत्नी की हत्या कर शव को जला दिया। 24 घंटे तक शव के साथ घर में रहने के बाद अपने बहनोई के सहयोग से सिंध नदी में फेंक दिया। मृतक महिला के पिता की जानकारी पर शव की तलाश 3 दिन तक की गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए ग्वालियर भेजा गया। कोतवाली पुलिस ने आरोपी पति के साथ साथ उसके बहनोई तथा ससुर के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। जिले के गलेथा गांव निवासी थानसीय सिकरवार का परिवार मुरैना शहर के गोपालपुर में निवास करता है। इनके पुत्र संतोष को सेना से निष्कासित किया गया था। संतोष पर मारपीट के कई मामले दर्ज है। बीती 24-25 जनवरी की रात संतोष ने अपनी दूसरी पत्नी रचना की हत्या कर दी। पहचान छुपाने के लिए शव को जलाकर घर की सफाई भी की। शव को ठिकाने लगाने के लिए 24 घंटे तक वह घर में ही रहा। अपने बहनोई के सहयोग से वाहन में ले जाकर भिंड जिले के रोन थाना क्षेत्र में सिंध नदी के मेहदा घाट पर संतोष व उसके बहनोई भानु ने शव को फेंक दिया। पड़ोस में रह रही रचना की छोटी बहन ने संदेह होने पर अपने पिता को सूचित किया। सूचना पर परिजन ने आकर कोतवाली पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद जांच में जुटी पुलिस की पूछताछ में घटना का खुलासा हुआ। महिला के शव की तलाश 3 दिन तक मेहदा घाट में गोताखोरों द्वारा की गई। बीती शाम रचना का शव नदी में मिला। सुबह मुरैना से ग्वालियर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने संतोष के बहनोई भानु प्रताप को पकड़ लिया। इससे पूछताछ की जा रही है। ये शिवनाथ सिंह तोमर निवासी लल्लू बसई ने थाने पर मरक क्रमांक 5/2020 कायम कराया था अपनी बच्ची के गायब होने के संबंध में। उनकी बच्ची रचना का उसके पति संतोष से पहले भी झगड़ा हुआ था। 498-1 की कायमी हुई थी। तो उसकी जब और तलाश की, CCTV फुटेज वगैरह चेक किए और उसका एक उसके एक साथी का भी पूछताछ की गई, जो उसका जीजा है, उसका नाम है छोटे सिंह और बड़े मुच्छ छोटे सिंह और भानु प्रताप भिंड का रहने वाला है, चतुर्वेदी नगर का। तो ये बात सामने आई कि संतोष ने रचना की 24 और 25 की मध्य रात्रि हत्या करके और अपने जीजा भानु प्रताप को बुला करके उसके साथ साच मिटाने की दृष्टि से उसने अपने पिता को भी शामिल किया है। उसके पिता ने गेट खोला है और गैरेज का और गाड़ी में डेड बॉडी रखी है इन्होंने, भानु ने और संतोष सिकरवान ने। और उसके बाद ले जा करके सिंध नदी के मेहदा घाट के ऊपर से इन्होंने डेड बॉडी फेंक दी थी नदी में। पहले भी सर्चिंग की गई थी मोटर बोट से, लेकिन कल शाम को रात में डेड बॉडी मिल गई है। उसके परिजनों ने पहचान लिया है, उसका चेहरा भी साफ है। फिलहाल मुख्य आरोपी की तलाश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर बार न्यूज़, मुरैना।